जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी एस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में विश्व स्तर पर मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? क्या दोस्तों दूसरा स्थान है कि तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थात दूसरा। यानी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में विश्व स्तर पर मुकेश अंबानी का जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा है? दूसरा है। क्लियर है दोस्तों? अरबपति, जैसा हमने बताया कि अरबपति मुकेश अंबानी ने, क्लियर है, माइक्रोसॉफ्ट के, किसके, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पछाड़ कर दोस्तों ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों के बीच नंबर वन और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। क्लियर है? यानी भारत में इनका स्थान पहला है और पूरे विश्व में देखा जाए तो ये दूसरे स्तर पर हैं। तो ये किन दो व्यक्तियों को पछाड़ कर पहुंचे हैं दूसरे स्थान पर? एक है माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और दूसरा है गूगल के सुंदर पिचाई को पछाड़ दिए हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से पहला ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR यानी फीचर 2023 कहाँ शुरू हुआ है? क्या पेरिस में कि मैड्रिड कि न्यूयॉर्क की दोस्तों नई दिल्ली? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फीचर 2023 का जो शुरुआत हुआ है दोस्तों ये मैड्रिड में हुआ है। कहाँ हुआ है? मैड्रिड में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजस्थान, क्या राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने दोस्तों 18 जनवरी कब 18 जनवरी 2023 को स्पेन की राजधानी, किसकी राजधानी दोस्तों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फीचर यानी FITURE 2023 में क्या हुआ, भाग लिया है। क्लियर है? तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ चलते हैं। EY रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत 26 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बन जाएगा? क्या 2040, क्लियर, 2040, क्लियर है, 2040 तक कि 2025 तक कि 2000 कि 2047 तक? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन डी है अर्थात 2047 तक। क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2047 कब, वर्ष 2047 तक भारत जो है दोस्तों 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना लगाई है। क्लियर है? जो कि भारत की स्वतंत्रता का उस समय 100वां वर्ष भी होगा। दोस्तों EY का अगर फुल फॉर्म पूछता है कि EY का मतलब क्या होता है, इर्नस्ट यानी EARNST और इर्नस्ट यंग रिपोर्ट को ध्यान दीजिएगा 2011 में लॉन्च किया गया, ये भी जानते रहे, यानी EY रिपोर्ट को कब लॉन्च किया गया, 2011। क्वेश्चन नंबर फोर है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया, यह किस राज्य में स्थित है? क्या राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, हरियाणा की, पंजाब? दोस्तों ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके, कोई दिक्कत, राजस्थान नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन ए होगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्लियर है? ये राजस्थान नहीं होगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ध्यान दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस जिले में, बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में
कांगेर घाटी, कौन सी घाटी? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली मंडल, क्या पराली बोडल गांव में केले के बागान में, किसके बागान में? केले के बागान में पेटेंट बैट के नाम से एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। कहाँ देखा गया दोस्तों? केले के बागान में देखा गया दोस्तों। यानी जो कांगेर घाटी में राष्ट्रीय उद्यान ये जो आपका चमगादड़ देखा गया है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है, जो नारंगी रंग का देखा गया है चमगादड़, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा मतलब क्या है तो इसको याद रखें। यानी इस पेटेंट बैड यानी नारंगी रंग का जो चमगादड़ है, इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कैरीवाला पिक्टा, कैरीवाला पिक्टा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरुण मिलर यूएसए के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? क्या फ्लोरिडा की, इंडियाना की, गैरी, मैरीलैंड की, अलास्का? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अरुणा मिलर जो कि यूएसए के मैरीलैंड, कहाँ के? मैरीलैंड राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं, क्लियर है? तो अमेरिका का कौन सा राज्य है? मैरीलैंड। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, नीलमणि फुकन का निधन हो गया, वह किस भाषा के कवि थे? क्या राजस्थानी भाषा के कवि थे कि असमिया कि संथाली के? दोस्तों हिंदी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो नीलमणि फुकन थे वो असमिया, क्लियर है, असमिया भाषा के कवि थे, क्लियर है, जिनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? क्या फ्रांस था कि जर्मनी कि जापान कि अमेरिका? दोस्तों दुनिया की, क्या दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन का जो निधन हुआ है वो किस देश की थी? तो दोस्तों वो फ्रांस देश की थी। किस देश की थी वो? फ्रांस देश के, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल 2023 में किस शहर में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? क्या पटना में कि नई दिल्ली कि चेन्नई कि कोलकाता? दोस्तों अप्रैल 2023 में नई दिल्ली शहर में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका प्रश्न 2 होमवर्क के तौर पे है। पहला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 9, 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन कौन सा देश करने वाला है? क्या इंडोनेशिया की, भारत की, दक्षिण भारत की, जापान? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? क्या पाकिस्तान के लिए कि दक्षिण अफ्रीका की, बांग्लादेश की, श्रीलंका? तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करते हैं, आशा है वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों कल भी मिलते हैं एक नए लेक्चर साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।